हिदायत का शौक तो पैदा कर। तू सारी जिंदगी गुंगलू आए बस मौलवियों के पिछे ही लगा रहना। साढ़े हजरत साढ़े पीर साढ़े मौलाना साहब, तेरा मौलाना हो सकता तेरे नाल डंडी मार जावे, मैं तेरे नाल डंडी मार जावा, मैं तेरे ईमान दे उत्ते हमला करने की कोशिश कर जावा, मेरा क्या है। तो कुरान नु वेख, जिस कुरान दी हक्कानियत दा वाहिद और शाहिद खुद अल्लाह पिया बनता है, उस पैगंबर दे दिल दे उत्ते नाजिल होया है जिसका सना खान खुद अल्लाह आप पिया बनता है। इतनी सच्ची किताब दे बावजूद भी तेरे मसले हल नहीं होंदे, तवा तेरे मसले कदी हल हो सकदे। तवा वेख लव्या दिन कियामत दे। तो समझ ये दसो, मैं हुण इत्थे तकरीर करेंदा बैठा, तकरीर तो पहले मैं पिछा बैठा होवां, हाँ कमरे दे अंदर शराब पींदा, कोई बंदा मेरी वीडियो बना के तो तुहाड़े सामने लै आया वा, ए वेखो जिहड़ा मिंबर ते बड़का बैठा मरेंदा ने अंदर शराब पींदा पिया। दसो मेरी कोई इज्जत तुहाड़ियां नज़रां च रासी? ते दे कियामत दे जले अल्लाह ने वजदू मा अमिलु हाजिरा, अल्लाह ने तेरा नामा अमाल जाहिर करना है, तो उत्थे जले ओ सारा मंदर जाहिर होणा है, उत्थे तू के मुंह ही कहि सकदा। दुनिया दे अपने रिश्तेदारां कोलों ते दोस्त अहबाब कोलों डरदा है कि यार किदा ही मुआशरे दे अंदर मैं बदनाम ना हो जावां, मुआशरे दे अंदर मेरी इज्जत ते दाग ना लग जाए। ते जिस वक्त पूरी कायनात मैदान सजिया खड़ा होना है, ऐदू एक पासे प्यारा पैगंबर खलोता है, दूए पासे किताब कलामुल्ला खलोती है, सारे दे सामने जेले मंदर पेश कीता जावणा है, ऐ फलाने दी कद पिया टपदा है, ऐ फलाने दी इज्जत नू पिया रुलेंदा है, ऐ फलाने दी धी बहन दी इज्जत दी लीरा लीरा पिया करेंदा है, ऐ फलानी जात ते आराम पिया खांदा है, ऐ शराब पिया पींदा है, ऐ जिना पिया करेंदा है, ऐ झूठ पिया बोलेंदा है, ऐ सूद पिया खांदा है, गीबत पिया करेंदा है, लालच पिया करेंदा है। दसो बात उत्थे मुसलमान सड़ाए दा क्या फायदा, जो तेरी इज्जत दे पल्ले कख भी ना। तो जो है